चाय की चुस्की लेनी हो या फिर दारू का चकना, आलू भुजिया एक ऐसी चीज है जिसके बिना इन सब का स्वाद अधूरा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आलू भुजिया बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनाई कैसे जाती है? तो आज मैं आपको करनाल की एक ऐसी फैक्ट्री में लेके जा रही हूँ जहाँ पे 10,000 किलो भुजिया एक दिन में तैयार की जाती है। सो चलिए देखते हैं कैसी यूनिवर्स की यूनिक मेकिंग और क्या है इसका टेस्ट। इसमें अलग अलग मटेरियल डलता है, बेसन वगैरह, पोटैटो फ्लेक वगैरह। तो ये अब अपना प्रीमिक्स बना रहा है, फिर इसको डो मिक्सर के पास लेके जाएगा। 50 kg का डो बनाते हैं हम एक बारी में। हमारी कैपेसिटी भी 50 kg की है डो मिक्सर की। डो मिक्सर मशीन है हमारी, इसमें डो बनेगा। अब इसमें रेसिपी के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारी बेसिकली कश्मीरी मिर्च है, डो में कश्मीरी मिर्च डाली जाती है स्वाद के लिए। थोड़ा इसको पानी में घुमाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में कश्मीरी मिर्च और हल्दी हमारी। तो रिवर्स और फॉरवर्ड करके इसने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम अपना प्रीमिक्स डाल रहे हैं, जो हमारा प्रीमिक्स है रेसिपी के हिसाब से हम इसमें अपना पूरा कंप्लीट डो तैयार कर रहे हैं। ये डो तैयार करने का हमारा प्रोसीजर है, SOP है, बनाई हुई है कि ऐसे ऐसे हमने सिक्वेंस में काम करना है। डो रेडी होने में मेरा लगता है 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट। अभी हमने इसको कुछ मटेरियल है SOP हमने इसमें डाला है। अब और जो मटेरियल है इसमें ऐड होना है। क्वांटिटी हमारी अब पूरी हो चुकी है। हमने 50 kg के हिसाब से अपना डो तैयार करने के लिए मशीन को चला दिया है। अब इसमें हम पाम ऑयल डाल रहे हैं। अब ये हमारा डो पूरा बनके तैयार हो गया। अब हम इसको एक बकेट में लेंगे। ये लड़के ने चेक कर लिया है कि ये डो तैयार हो चुका है, डो हमारा तैयार है। देखो अब इसको डो को हम एक बकेट में निकाल लेते हैं। देखो ये डो को निकाल रहे हैं। 25 kg के लोग सो भरेंगे अपने एक बकेट में। ये दो बकेट निकलेंगे इसे 25 kg की और उसको एशूटर पे ले जाया जाएगा। ये लड़के अपना डो तैयार करेंगे, अब नेक्स्ट लड़का है जो हमारा वो उसको लेके जाएगा अपने एशूटर के पास। ये हमारी आलू भुजिया हमने क्या किया है, इसमें एक एशूटर में अपना डाई लगाई हुई है जो हमें सेप चाहिए भुजिया की, आलू भुजिया की जो सेप होती है। और ये हमारा नमकीन का फ्रायर है। 500 kg/घंटा हम इस पे आलू भुजिया तैयार करते हैं। हमारी जो आलू भुजिया है ना वो हमारी फ्राई होके हमारे पास आ गई है। आगे इसको एक देखो आपने गोल गोल घूम रहा है, ये हमारा क्रशर है। जब फ्रायर से हमारी भुजिया निकलती है तो वो एक अनइवन शेप में होती है, उसको प्रॉपर शेप देने के लिए हमने इसमें एक क्रशर लगाया हुआ है। ये घूमता है और भुजिया को जो साइज हमें चाहिए उस साइज में कन्वर्ट कर देता है। एक मशीन लगी है। अब ये लड़का आलू भुजिया का मसाला जो हम इस पे एप्लीकेशन करते हैं उसको ऊपर में डालता है ऐसे। आलू भुजिया की वैरायटी एक ही है हमारे पास। ये देखो नीचे एक वाइब्रेटर लगा हुआ है, वाइब्रेटर इसको स्कार फीडर बोलते हैं। ये पूरा वाइब्रेशन करके ना टम्बलर में मसाले को बिखेर के एप्लीकेशन कराता है। पूरा प्लांट ऑटोमेटिक है, एक्सट्रूडर से लेके फाइनल पैकिंग तक हमें किसी प्रोडक्ट का टच नहीं करने की जरूरत है। पूरा ऑटोमेशन चलता है हमारा, हर एक चीज ऑटोमेटेड है हमारी। ये जाली लगी हुई है, जैसे कोई हमारा फाइंस वगैरह हल्का माइनर वो होते हैं प्रोडक्ट होता है माइनर जो चूरा टाइप होता है उसको ये निकाल देती है बाहर और उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं अगर अच्छी भुजिया जाए, अच्छा सेप जाए। अभी ये क्या है रिटेंशन कन्वेयर से हम ना इसको फीड करा रहे हैं पैकिंग के अंदर। अब देखो रिटेंशन से वाइब्रेटर के अंदर आया और वाइब्रेटर से अब बकेट एलिवेटर्स के होते हुए पैकिंग में जा रहा है। ये सब होता है नमकीन के थोड़ा सा कूलिंग करने के लिए। हमारे अंदर पैकिंग में AC लगा हुआ है, बहुत बड़ा अच्छा सेटअप है AC का। AC कोड के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि नमकीन को हम ठंडा हाफ करके ही पैक करें। ये मल्टी हेड वेयर बोलते हैं इसको, ये जापान से हमने परचेज की हुई है। ये क्या करती है, इसका काम है बेसिकली वेट करने का। ये वेट करती है और स्पीड में वेट करती है, 100 bag/min ये वेट कर रही है इस टाइम। और हमारे पास भुजिया के अलग अलग SKU है, RS 5 में, RS 5, RS 10, RS 20, RS 50, RS 100+ तक हमारे पास SKU है इसके। बाद हमने एक पैकेट टेक ऑफ कन्वेयर लगा रखी है, इससे ना हमारी पूरी स्ट्रिप निकल के आती है ताकि फिजिकल कोई डैमेज ना हो मशीन पैकेट को, क्योंकि इसको हम बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। हमारा कार्टन पूरा कंप्लीट हो गया, फिर इस पे टेपिंग की जाती है। देखो हमने अपनी अब टेप लगाने के बाद ये वेट करेंगे कार्टन का। अब कार्टन हमारा कन्वेयर पे चला गया देखो, और ये हमारा डिस्पैच लोकेशन पे वहाँ पे चला गया आलू भुजिया।